दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि WhatsApp की तरफ से यहाँ पे छोटे मोटे अपडेट आते रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक और एक कमाल का यहाँ पे अपडेट आया है दोस्तों, जिनमें आपको यहाँ पे स्टेटस के अंदर एक नया फीचर देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये स्टेटस के अंदर कौन सा नया फीचर है और आपके लिए क्या यूज़ है और इसको कैसे यूज़ करना, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसी फीचर के बारे में दोस्तों। तो जानने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश जला और टेक्निकल शैलेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको WhatsApp के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी सबसे पहले चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे जब भी अपडेट आता है तो उसके ऊपर यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए आप इसी अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। तो इस अपडेट के बाद दोस्तों आपको इसमें एक फीचर मिलता है जो कि यहाँ पे स्टेटस के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे स्टेटस के अंदर आपको एक नया फीचर मिलने वाला है और जिनका नाम है दोस्तों यहाँ पे स्टिकर इमोजी, स्टिकर और इमोजी, ये एक ही फीचर है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप अपडेट करने के बाद यहाँ पे WhatsApp में जाएंगे और WhatsApp में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर स्टेटस में जाएंगे, स्टेटस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा आपको जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे कैमरा के आइकन को पे क्लिक करके आप जो भी यहाँ पे स्टेटस जो भी यहाँ पे अपलोड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाला यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे मैं जो बता देता हूँ यहाँ पे इमोजी, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तीन, एक है सर्च और दूसरा है स्टिकर और तीसरा है इमोजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो इमोजी और स्टिकर का जो लुक था वो पूरी तरह यहाँ पे चेंज कर दिया, और यहाँ पे आपको फर्स्ट में इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। और सबसे पहले जो सर्च है दोस्तों उसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप इमोजी को यहाँ पे नेम से सर्च करके यहाँ पे लाना चाहते हैं वो यहाँ पे नेम से सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टिकर, तो यह स्टिकर तो सिलेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इमोजी के अंदर यहाँ पे जो इस फीचर के अंदर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टिकर हो गए दोस्तों वो यहाँ पे शो करेंगे, और यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इमोजी, तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे, अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इमोजी यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। ये इमोजी वही है लेकिन इसमें कुछ अलग तरह से यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो यहाँ पे ये फीचर दिया गया है जिनमें यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नीचे ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा ये टाइम, यानी कि यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे लगाया वो रिसेंटली आपको यहाँ पे शो करेंगे ऊपर में। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो भी यहाँ पे ऐड किया होगा वो यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरीके से इसमें आपको स्टेटस के अंदर यहाँ पे ये न्यू फीचर मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का है। आपको जो भी यूज़ करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो ये मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इस स्टेटस के अंदर आपको ये न्यू फीचर मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का, काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे बात में बता देता हूँ, ये जो अपडेट है दोस्तों वो अभी फिलहाल यहाँ पे WhatsApp के बीटा वर्जन में अभी इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है दोस्तों। जब ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे जो हमारा जो स्टेबल जो WhatsApp होता है दोस्तों उसमें यहाँ पे ये अपडेट आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, यहाँ पे 2-3 वीक के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बीटा वर्जन यूज़ करना चाहते तो यहाँ पे बीटा वर्जन को यूज़ कर सकते हैं WhatsApp को, और इसमें तो दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे स्टेबल वर्जन के WhatsApp के ऊपर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे और ये नया फीचर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो कॉल हो सके तो लाइक जरूर कर देना। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो कनेक्शन आपको मिलते रहे। तो बस फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।